नमस्कार, वेलकम टू प्लांटोनेट द प्लांट प्लैनेट। नाउ यू कैन विजिट अस ऑन plantonet.com। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग आके सुबह सुबह पहुंच चुके हैं फार्म पे, सामान वगैरह लेके आ गए। मौसी यहाँ पे चूल्हा जला रही है, ममता वहाँ पे गाड़ी साफ कर रही है और हम लोग प्रभात लेके जा रहा है, पानी का पंप लगाएगा नदी में। मैं इन्वर्टर चेक कर रहा हूँ और अंकल यहाँ पे ये गैस चूल्हा सेटिंग कर रहे हैं स्टैंड बाय के लिए। अभी यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, इसमें हम गुड़ डालेंगे 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़। डाल के इसको उबालेंगे, उबलने देंगे इसको। ममता यहाँ पे पानी डाल रही है इसको खोदने के लिए, थोड़ा नरम हो जाएगा तो इसका काम करेंगे। फिर यहाँ पे हम गोबर का खाद डाल के इसमें मिक्स करेंगे, फिर जो लगाना है साग वगैरह लगाएंगे। अभी हम ये सारे बैटरीज के फ्लोट्स जो वाटर लेवल है वो आज लगाएंगे। जाओ चलो। ये बैटरी करीब लास्ट ईयर जून महीने से यूज़ हो रहा है, लेकिन एक भी लेवल वो अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ। इलेक्ट्रोलाइट लेवल नए जैसा है, तो इसको निकाल के आराम से इसमें डाल देंगे। इसमें एसिड लगा हुआ है, नजदीक से मैं फ्लैश ऑन करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये जो प्लेट्स हैं कितने जोर से बॉयल हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। इतने सारे इसके लेवल्स हैं, फ्लोट्स इसमें लगा देंगे। ये ग्रीन के ऊपर है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट लेवल सही है इसमें। ये माइक्रोटेक का बैटरी है, इनटेक पावर टॉल ट्यूबुलर 50 Ah। टर्मिनल जेल और एक इसका पैकेट आता है जो पेट्रोलियम जेली होता है, वो टर्मिनल्स पे लगाते हैं ताकि करोजन ना हो। और दूसरा हमारा यूटिल का जो बैटरी है, इसके भी फ्लोट्स थोड़े से अलग से हैं। इसमें लिखा है पैकेट पे बैटरी टर्मिनल
प्रोटेक्टर, हाईली प्योर ग्रेड सिंथेटिक जेली विद स्पेशल एंटी कोरोसिव एडजेसिव्स। तो जो ऐसा टर्मिनल्स कोरोजन होता है वो रोकने के लिए ये जेली लगाया जाता है और बेटर रिजल्ट्स। वॉश द बैटरी टर्मिनल्स बाय वाटर एंड ड्राई द टर्मिनल्स एंड अप्लाई बैटरी टर्मिनल प्रोटेक्टर ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स थॉरली। प्योर पेट्रोलियम जेली यूएसपी एंड एंटी कोरोसिव एडिटिव। और ये यूपीएल कंपनी का जो है फ्लोट इस तरह का है, स्टडी डिजाइन है। लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया था कि ये जब आया था इसमें से एसिड लीक हुआ था, क्योंकि एक ये वाले में रबर सील मैल फंक्शन कर रहा था, शायद इसकी वजह से इसमें से लीक हुआ था। और इसके अंदर इतना जोर से बॉयल नहीं हो रहा है जितना इसमें इस वाले में हो रहा था। मतलब ये डे फॉल्टी अच्छी कौन अच्छी और इंटरनल रेजिस्टेंस दी टाइगर मैच करने चाहिए थी बैटरी रहो पानी कमी जाए चाहिए था पानी कमी जाए तो मुझे थे तो ले पानी देगी देखिया देगी देखिया आज दिन का देगी दे मैं दस लाल कुटी के लीक ही जाए थे ले देखिए प्लास्टिक हाँ आई लाल को लीक ही थे तो पानी कमी चाहिए प्लस ये ये सारे लगा दिए। इस बैटरी में एक एडवांटेज है कि हम लोग यहाँ से खोल के डिस्टिल वाटर डालेंगे तो ये लेवल अप होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसी खोल के डालेंगे फिर अप होगा फिर हम लोग छोड़ेंगे। ये थोड़ा सा इधर टच हो रहा है तो अभी ये वाला जो अभी ये जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं इसको हम पानी से ऐसे धो के रिंस करेंगे, धो के रखेंगे। इसमें हल्का फुल्का एसिड, बैटरी एसिड लगा था कपड़ा साफ करने में। वो भी साफ करके रख देंगे इसको। ये सूख जाएगा उसके बाद रख लेंगे।
तो आज हम ये केबल को थोड़ा चेंज किए। पहले यहाँ से 4 mm के दो दो केबल्स हमने रन किया था जब 12 वोल्ट के सिस्टम पे था, ये दोनों पैरेलल में लगे थे। अभी ये दोनों सीरीज में है 24 वोल्ट कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमने सिंगल 4 mm वायर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ऐसे रन किया। पहले ये दो दो डबल डबल वायर्स हुआ करते थे, यहाँ पर डबल, मतलब 4+4 8 mm हुआ करता था और हमको करंट उतना ही मिलता था, 20 amperes तक मिलता था। अभी हमने वोल्टेज बढ़ा दिया, वहाँ पर 24 वोल्ट कॉन्फ़िगरेशन में वो पैरेलल में था, अभी सीरीज में है। तो सीरीज में आने के बाद हमें करंट भी उतना ही मिल रहा है, 19 amperes 20 amperes तक जा रहा है पीक सनलाइट में, और इससे हमारा भी मोटर चल रहा है। हमने ये टर्मिनल्स बैटरीज के जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लोट लेवल्स है वो सेट कर दिया, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल थोड़ा कम था, पानी डाल दिया उसमें, अभी ये दोनों हमारे सेट हो गए। गैस चूल्हा लाया था इस सिलेंडर पे लगाने के लिए, चूल्हा रेगुलेटर और पाइप ये भी कनेक्ट हो गया, ये काम हो गया, बाकी जो काम करना है आगे करेंगे। अभी इन दोनों बैटरी में हमने देखा कि ये वाला बैटरी जो है वो बॉयल हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ा चेक करेंगे। अभी इसका वोल्टेज चेक करते हैं, पहले 18.22, इन दोनों बैटरी में अभी हमने देखा कि ये वाला बैटरी बॉयल हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन बबल्स बहुत ज़ोरों से बन रहा है और ये गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके साउंड कर रहा है बबलिंग का, जबकि ये धीरे धीरे इसका बबलिंग हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है इसको देखने के लिए अभी वोल्टेज हम चेक करेंगे। ये 14.9899 वोल्ट्स ऐसे दिखा रहा है, करीब 15 वोल्ट्स, 14.99 वोल्ट्स दिखा रहा है। इस बैटरी को चेक करेंगे तो ये 12.55 दिखा रहा है। तो अभी वोल्टेज रीडिंग देखेंगे इस बैटरी का, 14.99 वोल्ट्स ऐसा दिखा रहा है, जबकि इस बैटरी का मेजर करते हैं तो 12.55 दिखा रहा है। एक्चुअली ये दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए, तो ये बैटरी पे हम लोग 12 वोल्ट का जो डीसी लोड दिए हैं वो जल्दी डाउन हो जाता है, और ये 15 वोल्ट जो ओवर चार्ज होके एक्चुअली 14.7 तक जाना चाहिए, 14.97 जा रहा है, चलेगा। और दूसरा बैटरी 12 वोल्ट पे है, तो इनका जो डिफरेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफरेंस होने के कारण ये जल्दी ज़्यादा चार्ज हो रहा है, ये लेट से कम चार्ज हो रहा है। अब ये बैटरी सीरीज़ में है, तो दोनों को अगर मैं चेक करता हूँ सीरीज़ वोल्टेज में, हमें 27.53 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो 28-29 तक, 14.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 29.4, तो 29.4 तक सेफ वोल्टेज है। अभी क्योंकि लोड यहाँ पे है सोलर पे जो चल रहा है 27.9 वोल्ट, 28 वोल्ट 13-14 एम्पीयर्स पे जो चल रहा है, वहाँ पे हमारा पानी का पंप भी चल रहा है, इस पे हमारा इन्वर्टर पे लोड है उस पे चल रहा है। तो हम लोग ये सीरीज जो किए हैं डिसाइड करना है कि इसको पैरेलल करना है ताकि दोनों बैटरी सेम लेवल के चार्ज पे आ जाए, जब ये 14.7 हो जाएगा और करंट अब्सॉर्ब नहीं करेगा तो ये करना चालू कर देगा, वो कॉन्फ़िगरेशन हम करके देखेंगे। अभी क्योंकि ये जो है ओवर बॉयल हो रहा है, ओवर चार्ज हो रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ से सोलर पैनल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। सोलर पैनल डिस्कनेक्ट करने के लिए ये हमारा सिस्टम है, ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ।
लेकिन इधर है, इसको भी डिस्कनेक्ट कर दूं। तो अभी सोलर डिस्कनेक्ट हो गया, हम ये बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे और जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है उसको सीरीज में करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव तक गया है ऐसा, और एक केबल था हमारे पास, एक ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बैटरी को घुमाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया। इन्वर्टर पूरा डिस्कनेक्ट कर दिए, कंट्रोलर से आया हुआ पॉजिटिव है। चार्ज कंट्रोलर से पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, और ये हमारे डीसी सप्लाई का पॉजिटिव, ये हो गया। बाद में यहाँ पे इन्वर्टर का पॉजिटिव लगेगा, ये है नेगेटिव। ये हमारा बैटरी का नेगेटिव लग गया, डीसी सप्लाई का नेगेटिव लगेगा। ये नेगेटिव टू नेगेटिव, चार्ज कंट्रोलर का नेगेटिव यहाँ पे लगाया तो ये ऑन हो गया ऊपर। तो ये भी देख सकते हैं, वहां पे बैटरी कनेक्ट कर दिया तो ऑन हो गया। अगर मैं चार्ज कंट्रोलर निकाल दूं, पॉजिटिव है जो बैटरी, अगर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे डिस्प्ले बंद हो गया। यही अगर मैं पॉजिटिव यहाँ पे बैटरी पे लगा है और नेगेटिव लगा दूं तो वहां पे कंट्रोलर ऑन हो गया। चलिए अभी इसको कनेक्ट करते हैं। बाद में यहां पे इन्वर्टर लगेगा। अभी यहाँ दिखा रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, कितना रुपए का, 1071 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी इसने प्रोड्यूस किया है जब लास्ट रिसेट हुआ था तब से अब तक। और सोलर चार्जिंग ऑफ है, पैनल डिस्कनेक्ट कर दिया था, पैनल को अभी कनेक्ट करेंगे। और ये करने के बाद अभी देख सकते हैं सूरज नहीं दिख रहा है,
सौ है, और उसके बावजूद क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। चार्जिंग ऑफ, सोलर भी ऑफ दिखा रहा है, सोलर एब्सेंट दिखा रहा है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ से करंट आएगा, यहाँ से इनिशियलाइज होगा। अभी यहाँ पे एक एरर आएगा, ऑफ हो गया, मेंस एब्सेंट बाईपास ऑन, ये स्विच प्रेस किया तो इसका बैकलाइट ऑन हो गया। ये दोनों बैटरी हमने पैरेलल में लगाया है तो सिस्टम वोल्टेज अभी 12 वोल्ट्स है, जबकि वहाँ पे सोलर पैनल्स अभी भी 24 वोल्ट्स में सीरीज कनेक्टेड है, जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये वन सिंबल आएगा तो स्क्रॉल करना चालू हो जाएगा। चार्जर ऑफ, सोलर हाई, इसीलिए वो एरर आ रहा है। इसके लिए हम ये दोनों यूज़ करेंगे, टू इन वन आउट कनेक्शन। तो ये सीरीज कनेक्शन जो है इसको खोलना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पे इनपुट हो गया, इसका जो केबल है यहाँ इन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दूर हो रहा है। तो ये दोनों अभी कनेक्ट हो गए, हमारा करंट कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। अभी चार्जर ऑन हो गया, बल्क चार्जिंग स्टार्ट हो गया। इंटरनेट डिवाइस, 4G इंटरनेट वायरलेस का, इसको हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे पावर बैंक में कनेक्ट किया 5 वोल्ट सप्लाई, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो कुछ टाइम बाद ये इनिशियलाइज होगा, इमीडिएटली नहीं आता। पावर और नेट लिखा है, अचानक से ऑन नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है इसको ऑन होने में। यहाँ देख सकते हैं पावर अभी आ चुका है रेड कलर में, रेड कलर लाइट ऑन हो चुका है, और ये ब्लू भी ऑन होके ब्लिंक करेगा, फिर मतलब ये इंटरनेट कनेक्ट हो गया। और इसको चेक करेंगे लैपटॉप में लगा के कि अपना इथरनेट के दोनों वायर कट करने के बाद इंटरनेट आ रहा है कि नहीं। लैपटॉप में कनेक्ट किया, यहाँ पे अभी इंटरनेट नहीं दिखा रहा है, ये कब दिखाएगा जब हम ये एंड, दूसरा वाला एंड उस केबल का लगाएंगे इस डिवाइस के पीछे। ये इथरनेट पोर्ट पे कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं इथरनेट आइडेंटिफाइंग, इथरनेट आइडेंटिफाइंग दिखा रहा है। आईपी सेटिंग्स आ गया और इंटरनेट एक्सेस इसमें आ गया। अभी ये नीचे लिखा है इंटरनेट एक्सेस, मतलब ये दोनों वायर कट करने के बाद भी हमारा इंटरनेट चल रहा है। और अगर इसको देखना है, वेरीफाई करना है, तो ये इंटरनेट स्पीड टेस्ट हम कर सकते हैं, तो इससे पता चलेगा कि हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। ये चल रहा है, अगर मैं केबल खोल दूं यहाँ से तो ये टाइम आउट हो जाना चाहिए।
टेस्ट एरर आ गया क्योंकि हमने केबल खोल दिया। तो इसका मतलब ये बनता है कि दो केबल काटने के बाद भी हमारा केबल सही चल रहा है। इंटरनेट यूज के लिए इसका पिन आइडेंटिफिकेशन ऐसे करते हैं, अगर हम ऐसे पकड़ते हैं कनेक्टर को नीचे रख के ऐसे पकड़ेंगे तो ये पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहाँ से ऐसे काउंट किया जाता है। अभी इस साइड से भी केबल को थोड़ा काटेंगे, इसको केयरफुली काटना पड़ेगा नहीं तो पूरा का पूरा केबल कट जाएगा। तो अभी इसमें से हम ब्राउन वाला पेयर इस साइड में से भी निकालेंगे। तो जो ब्राउन कलर का पेयर है ये ब्राउन पेयर को यहां से कट कर दिया तो हमें ये केबल मिला। अभी हम यहां से इनपुट करेंगे प्लस 5 वोल्ट डीसी और ग्राउंड और वहां से आउट करेंगे। हम इसी केबल को यूज करेंगे, इसको बीच में से काट देंगे और हमारे पास ये दो केबल हमें मिल गए। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे तो ये रेड वाला पॉजिटिव और व्हाइट वाला नेगेटिव होना चाहिए लेकिन एक बार हम मीटर से भी मेजर करेंगे। तो एक साइड ये लगेगा और एक साइड ये। अब इसको हम 5 वोल्ट अपना पावर बैंक के साथ कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज मेजर करेंगे। रेड वाला पॉजिटिव में, व्हाइट वाला नेगेटिव के साथ लगाया, यहाँ पे 5.13 वोल्ट्स आ रहे हैं। और अगर ये रिवर्स होता तो अगर मैं नेगेटिव को पॉजिटिव रेड वाले के साथ लगाऊं और पॉजिटिव को वाइट वाले से लगाऊं तो यहाँ पे -5 वोल्ट आ रहा है। डीसी के नीचे माइनस ऐसे लिखा आ रहा है। ये जो -5 लिखा है मतलब रिवर्स पोलैरिटी हो रहा है। तो हमें अभी ये कनेक्शंस हमारे आइडेंटिफाई हो गए, अभी हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ये ब्राउन के साथ पिंक वाला केबल जॉइन कर रहा हूँ। फिलहाल सोल्डरिंग आयरन तो नहीं चलेगा क्योंकि हमने अपना इन्वर्टर खोल दिया है। तो अभी ये इस कनेक्शन को ऐसे ही करके ट्विस्ट करके फिर इसको इसके साथ ऐसे प्रेस कर देंगे, ऐसे इसको टेप करेंगे। लेकिन परमानेंट कनेक्शन करने से पहले ड्राई रन करेंगे कि कामयाब हो रहा है कि नहीं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि ये 5 वोल्ट उतना दूर जा पा रहा है कि नहीं केबल से। टेस्ट करने के बाद फिर हम इसको टेपिंग करेंगे, नहीं तो सब कुछ कर दिया और पता चला कि काम ही नहीं कर रहा है। अरे टेप टिकल वो, अभी हम ये इथरनेट
ये यूएसबी पावर लगेगा यहाँ। ममता और मौसी यहाँ पे आज रेडी कर दिए हैं मिट्टी में खाद डाल के, और ये जो रेत लाए थे रेत के साथ साग के जो बीज हैं ऐसे मिला देने से जब हम डालेंगे तो पतला पड़ेगा, हर जगह बारीकी से पड़ेगा, नहीं तो ये जितने स्मूथ है ना ये बीज, छोटे छोटे बीज हैं तो कहीं पे ज़्यादा ना गिर जाए, इसलिए ऐसे रेत मिला के डालते हैं। किंतु किसी ने वहाँ पे आग लगा दिया है, कितनी जोर से आग पकड़ कर धुआं हो रहा है। ये बाथरूम डोर का जो है लॉक ये लगाएंगे। बड़ी बड़ी ये दोनों को थोड़ा इसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत क्लोज है, होल करेंगे तो वो एकदम से नजदीक हो जाएगा। देखो ले पड़े वो दे तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको गार्डनिंग और फार्मिंग रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फार्मिंग और गार्डनिंग में इंटरेस्टेड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे वीडियो शेयर करें। टिल देन कीप वॉचिंग प्लांटोनेट द प्लांट प्लैनेट। नाउ यू कैन विजिट अस ऑन प्लांटोनेट.com।